हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरन सर क्लासेज। और आज आपके लिए लेकर आए हूँ क्लास ट्वेल्थ के सब्जेक्ट साइकोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद नोट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, जो अबनॉर्मैलिटी के बारे में डेफिनेशंस दी गई हैं उसमें चार जो हैं डी बड़े कॉमन से हैं, वो कौन कौन से डी हैं। तो फर्स्ट देखिए डिवियंस। डिवियंस का मतलब क्या होता है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर डिवियंट, कैसे? डिफरेंट, एक्सट्रीम, अनयूजुअल एंड इवन बिजार, ऐसी हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। दूसरी डेफिनेशन कहती है डिस्ट्रेसिंग है, यानी अनप्लीजेंट है, अनसेटिंग टू द पर्सन है और साथ में टू अदर्स, जो भी उसके साथ आसपास के लोग भी हैं। ऐसे क्या है? डिसफंक्शनल भी है, यानी इंटरफियरिंग करते हैं विद द पर्सनस एबिलिटी टू कैरी आउट डेली एक्टिविटीज एंड इन ए कंस्ट्रक्टिव वे, यानी उसको जो है अच्छे से काम करने में रोकते हैं। और डेंजरस इसलिए बोला गया है, ये उस इंसान के लिए भी है और दूसरे के लिए भी खतरनाक होते हैं। अब आपको बताना है किस टाइम ऐसा था जब डिमोनोलॉजी और सुपरस्टिशन उन्होंने एक नई जो है इम्पोर्टेंस ले ली थी इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबनॉर्मल बिहेवियर। तो आपको उस टाइम पीरियड की बात करनी है जब ये हम मान के चले कि कैसे जो है चुड़ैलों के बारे में, सुपरस्टिशन क्या होते हैं, अंधविश्वासों के बारे में जो है ज्यादा सोचा जाने लगा था। तो ऑप्शन है 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी या फिर मिडल एजेस। तो राइट आंसर है मिडल एजेस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ड्यूरिंग द मिडल एजेस डैश प्रिवेल्ड, यानी मिडल एजेस के टाइम में क्या चीज थी जो बहुत ज्यादा फैली हुई थी। तो ऑप्शंस हैं द क्रिश्चियन स्पिरिट ऑफ हेट्रेड है, द क्रिश्चियन स्पिरिट ऑफ लव है, द क्रिश्चियन स्पिरिट ऑफ एंग्विश और द क्रिश्चियन स्पिरिट ऑफ चैरिटी। आपको एक आंसर फिल करना है इसमें। तो राइट आंसर है द क्रिश्चियन स्पिरिट ऑफ चैरिटी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु रोट एक्सटेंसिवली अबाउट फीलिंग्स, मेंटल एंग्विश एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी फीलिंग्स, मेंटल एंग्विश और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में काफी हद तक लिखा है किसी ने। ऑप्शन क्या है? सेंट पीटर, सेंट ऑगस्टस, सेंट ऑगस्टाइन और सेंट थेरेसा। और राइट आंसर है सेंट ऑगस्टाइन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। डैश पीरियड वॉज मार्क्ड बाय इंक्रीज ह्यूमैनिज्म एंड क्यूरियोसिटी अबाउट बिहेवियर, यानी ये वो पीरियड था जब ह्यूमैनिज्म की बात ज्यादा थी और क्यूरियोसिटी अबाउट बिहेवियर के बारे में ज्यादा सोचा जाता था। तो ऑप्शन क्या है? मिडल एजेस, द न्यू पीरियड, द रेनेसा पीरियड और द मॉडर्न पीरियड। और राइट आंसर है द रेनेसा पीरियड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। विच टाइम पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट। आपको बताना है वो टाइम पीरियड कौन सा था जो एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें रीजन और एनलाइटनमेंट होता है, जब ज्ञान की बात होती हो। ऑप्शन है 16th and 17th century, 17th and 18th, 18th or 19th और 19th and 20th century। तो राइट आंसर है 17th and 18th century। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन एपीए। एपीए क्या होता है? अफ्रीकन साइकोट्रिस्ट एसोसिएशन या फिर अमेरिकन साइकोट्रिक एसोसिएशन और अपोलो साइकोट्रिक एसोसिएशन और एडवांस साइकोट्रिक एसोसिएशन। तो राइट आंसर है अमेरिकन साइकोट्रिक एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स इज नोन एज। अब ये किस नाम से जाना जाता है? स्टैटिस्टिकल, यानी डायग्नोस्टिक और स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, इसको किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है DSM-5। क्वेश्चन नंबर 9 है, ICD-10 क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स, ये किसने प्रिपेयर किया था? तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका आंसर है। डिफाइन SAD, सैड का मतलब क्या होता है? SAD, सैड की डेफिनेशन आपको बतानी है। ऑप्शंस आपके सामने है बच्चों। तो सैड की डेफिनेशन है सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। डिफाइन द टर्म एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का मतलब होता है यूजली डिफाइंड एज अ डिफ्यूज वेग वेरी अनप्लीजेंट फीलिंग ऑफ फियर एंड एप्रीहेंशन, यानी टेंशन होती है एक तरीके से एंग्जाइटी जो है, और बेकार की टेंशन होती है। डिफाइन PTSD की फुल फॉर्म आपको बतानी है, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर,
यानी ऐसा जो डिसऑर्डर है वो फेस किया जाता है उन लोगों के द्वारा जो फेस करते हैं सुनामी या कोई टेररिस्ट ने ब्लास्ट किया है, एंड PTSD जो है सिम्टम्स हैं वो वाइडली डिफरेंट करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बट मैनी इंक्लूड रेकरेंट ड्रीम्स, यानी उनको बार बार सपने आते हैं, फ्लैशबैक्स में चले जाते हैं, और या उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, मीन्स फोकस नहीं रहती, और इमोशनल भी थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती है. अब क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं. बाइपोलर 1 डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स बोथ मैनिया एंड, आपको दूसरा वर्ड बताना है, मैनिया तो है ही है, एंग्जाइटी, टेंशन, वल्नरेबिलिटी या फिर डिप्रेशन. तो वो है मैनिया एंड डिप्रेशन. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए. डिफाइन ADHD. ADHD की आपको फुल फॉर्म बतानी है. ये है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. ऐसे आपको बताना है ODD क्या होता है. ओपोजिशनल डिफाइंट डिसऑर्डर है. अब यानी बिंजे ईटिंग में क्या होता है, यानी बिंजे ईटिंग में देयर आर फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब कई बार आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं जब ऐसे ईटिंग करते हैं आप. और क्वेश्चन नंबर 17 में है, व्हाट हैपन्स इन बुलिमिया नर्वोसा. बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, जो इंडिविजुअल है में ईट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड, यानी काफी हद तक वो खा लेते हैं कोई भी जो है, और देन पर्ज हर और हिज बॉडी बाय यूजिंग मेडिसन सच एज लैक्सेटिव्स और ड्यूरिटिक्स और बाय वोमिटिंग. तो किसी तरह फिर बाद में अपने आप को रिलीव करते हैं, चाहे वॉमिट करके या फिर मेडिसन खा के. क्वेश्चन नंबर 18 है, पीपल विद डैश मे नॉट बी एबल टू थिंक लॉजिकली एंड मे स्पीक इन पेक्यूलियर वे. आपको बताना है ऑप्शन राइट क्या होना चाहिए. जिन लोगों में ये प्रॉब्लम होती है वो सोचते नहीं है लॉजिकली और अजीब तरीके से बात करते हैं. तो राइट आंसर है शिजोफ्रेनिया. अब बच्चों इसी के साथ ही इस वीडियो को स्टॉप करूंगा. सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग तरह क्लासेस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल. हैव अ वेरी नाइस डे.